अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज के हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने आयनाइजेशन एनर्जी थ्रू डायग्राम, थ्रू डेफिनेशन, यूनिट, उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को समझा, ताकि हमको ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी आपको बेहतर समझ आ सके, वो समझाए। आज के इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी को देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। माय डियर्स, देखिए, इंडेक्स टू मेटेलिक करेक्टर। सबसे पहले ये पंजाब टेक्स्ट बुक में एक एडिंग के तौर पर लिखा है, जिसकी वजह से मैं समझा रहा हूँ, और शायद यहाँ से एक दो एमसीक्यूज तो खैर बहरहाल अभी तक पूछा नहीं गया, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका टॉपिक का करिकुलम का हिस्सा है, जिसकी वजह से हमने इसको ज़रूर करना है। लो आयनाइजेशन एनर्जी, लो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? लूज इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन को आसानी के साथ लूज करवा सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, मेटल्स करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज करके केट आयन बन जाते हैं, ठीक है, ये बेसिकली ये बेसिक ऑक्साइड्स हैं, बेसिक ऑक्साइड्स, और ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। मेडियस इसकी हाइएस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, जैसे पोटाशियम, सीजियम वगैरह। ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये वही बातें जो मैंने पिछले लेक्चर्स में बार बार बताया कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनता है, आयनिक कंपाउंड बन जाता है क्योंकि उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। ये सारी बातें जो है मैंने पिछले लेक्चर्स में बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी। माय डियर्स, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? माय डियर्स, डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। ये नॉन मेटल्स है, ये एनायन है, क्या है? एनायन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, ये एसिडिक ऑक्साइड है। माय डियर्स, और मेटल मॉडरेट आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी हो वो दैट इज नोन एज मेटलाइड्स, और हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी दैट इज नोन एज नॉन मेटल्स, लो आयनाइजेशन एनर्जी इज नोन एज मेटल्स। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसको समझाने की जरूरत ही नहीं है। बारह मैंने आपको सिर्फ अपनी फर्ज पूरा करने के लिए मैंने बुक की एक फ्रेंस आपके लिए यहाँ पे लिखी है, ताकि आपको बेहतर समझा सकूं। माय डियर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, यानी एट ग्रुप, ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी क्या है? इसकी रिएक्टिविटी क्या है? सबसे अगर रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी कम होगी। एट ग्रुप की रिएक्टिविटी सबसे क्या है? कम है। इस मीन्स इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? सबसे ज़्यादा है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी को कम करेंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसी तरह लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? वन ए ग्रुप की, जिसको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ये हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। और एट ग्रुप क्या है? ये लेस रिएक्टिव है, तो इट मीन्स इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। जो नोबल गैसेस हैं एट ग्रुप, जैसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन वगैरह, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, क्योंकि ये स्टेबल है, इसकी ऑक्टेट रूल्स जो है वो पूरा है, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ये दूसरे के साथ शेयरिंग नहीं करते हैं, ये दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज नहीं करते हैं, तो ये इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? वन ए ग्रुप की, जिसे लेथियम, सोडियम, पोटाशियम, रूबिडियम, सीजियम वगैरह, और इस ये अल्कली मेटल्स हैं, ये हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। इसी तरह सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी एट ग्रुप की, जिस तरह क्योंकि रिएक्टिविटी कम, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एट ए ग्रुप की, जिसे हम नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस बोलते हैं, जैसे आपको पता है कि नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन वगैरह, ठीक है। और हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी? हीलियम की। और सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी? लोएस्ट लिथियम की। बायर्स, अभी हम जाते हैं कुछ एक दो ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी के बारे में थोड़ी बहुत पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगा, ताकि और आपका आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। बायर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके मैग्नीशियम प्लस वन आयन बना, और यहाँ पे जो हमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 73.5 केजी पर मोल है, 73.5 केजी पर मोल, ठीक है। और मैग्नीशियम
इस प्लस वन आयन ने अगेन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके मैग्नीशियम प्लस टू आयन बना, यानी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है 1451 kg per mole। और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के दरमियान जो डिफरेंस है वो टू टाइम्स है, यानी 735 को अगर आप अप्रोक्सीमेट टू टाइम्स करोगे तो 1451 बनेगा। इसी तरह प्लस टू मैग्नीशियम आयन से अगर अगेन आपने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो मैग्नीशियम प्लस थ्री आयन बनेगा, ठीक है। तो इसके आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी 7731 kg per mole आप रिक्वायर्ड होगी। और इसमें क्या होगा कि ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ये सेवन टाइम्स ग्रेटर है, सेवन टाइम्स बड़ी है। इसी तरह अगर आप थर्ड ए से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके मैग्नीशियम प्लस फोर आयन बनाते हैं तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी फोर्थ तो वो 10,451 kg per mole होगी। तो इट मीन्स के सेकेंड और थर्ड के दरमियान क्या हो रही है बड़ी डिफरेंस आ रही है, थर्ड जो है मोस्ट आयनाइजेशन एनर्जी रखता है, ठीक है थर्ड। इसी तरह अगर आप थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करेंगे तो फोर्थ ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, इसी तरह अगर आप टू और थ्री को करेंगे तो थर्ड ए की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। इस तरह ये चीज़ें आपने याद रखनी, ये बाई सिर्फ एज अ बाई प्रोडक्ट मैंने आपको समझाया, ठीक है। वैसे काफ़ी क्रिप्टन्स में इसका कोई वो नहीं है, बारह एक दो लाइन्स थे जिसकी वजह से मैंने शुरू ही समझा। और ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके प्लस वन प्लस टू ये दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जो नंबर ऑफ चार्ज है। इसी तरह वैलेंसी क्या है, जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे लूज करेंगे तो प्लस वन के लिए इसका वैलेंसी वन, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो माइनस वन, ठीक है। तो ये क्या है, ये उसकी वैलेंसी है माय डियर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में